नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछु मु स्वप्ना नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे आजि मंडपरे महाअष्टमी परदा भितरे चलिछि मांको आराधना सेपटे पीठरे महानवमी मंत्र ओ ध्वनिरे प्रकंपित राज्यर विभिन्न शक्ति पीठ बिना भक्तरे नीतिकांति विधायकों मृत्यु नहीं मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं संवेदनहीन बयान घटना जनता क्रोध पर दुख प्रकाश कले राजा विधायक मदन मोहन दत्तों वियोग को सुजोग कहते राजा बालेश्वर पोस्टल बालाट उत्तेजना घटना आज सुधा संपूर्ण रिपोर्ट देवा जिलापा मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश कहले रिपोर्ट पर तर्जमा कर आईनगत कार्यानुष्ठान दुई दिन में विदाय नव मौसुमी उपकूल ओडिशा समेत छटी स्थान में मध्यम धरण वर्षा आंचलिक पानीपाग विभाग सूचना 28 पर राज्य में सुखिला रहिबो पाग कंदाइलानी पियाज 85 टपिला रेट वर्षा जोगु आंध्रु आसी पारुनी पियाज ट्रक मासे जाए रहिबो चढ़ा दर चिंतार खाउटी एवं कहानी भिन्न दुख समान झीपाई माँ मगुची न्याय हत्याकारी खोजुची प्रमोदिनी और परीं परिवार प्रश्नर उत्तर देउनी प्रशासन और पुलिस एथर संपूर्ण खबर आज मंडपरे महाअष्टमी परदा भितरे चली माँ आराधना कोरोना कटकणा भितरे चली माँ दुर्गा पूजार्चना कोरोना पाई एथर ना भक्तों गहली चहली केवल पूजक और आयोजकों को नहीं पालन होउची शह शह वर्षर परंपरा पूजा मंडप को भक्तों बारण थिबा बेले ऑनलाइन रे माँ को दर्शन पाई समस्त व्यवस्था करा जाउची सेपरी आज पीठ रे महानवमी मंत्र और ध्वनि रे प्रकंपित राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ बिना भक्त रे चलीछि नीतिकांति तबे संपर्कित अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर झारपड़ा मंडप प्रतिनिधि कविता स्वाई आम सहित जोड़ी होती कविता प्रथम तो आपन को महाअष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा जनइबी तबे किभली रही सेठाकार दृश्य कौन रही नीतिकांति आज आपणको भी अनेक अनेक शुभेच्छा तहत कहवापी चाहिए कि आप देखिपुर थे आज महाअष्टमी होता बेले परदा पक्षरे पूजा पाउछंती माँ जगज्जननी सहित जमी भक्त मानू मना कर भक्त आसीपारे ना केवल पांच सात जन को नहीं पूजा कार्य समापन करपुर थे कि परदा गोटे पड़ी कि माँ को गोटे चित्र जमी माँ को चित्र देखा मिल सहित पक्षर पूजा पाउंट माँ जार चित्र आपण सहित परदा जेहेतु पड़ापाई गोटे ट्विन सीट्रे कह गाइडलाइन प्रस्तुत करेखुवे पूजा चली महाअष्टमी पूजा चली कि परदा पक्षर सबकि जेहेतु कोरोना महामारी चलित बर्ष सबकि भिन्न कहीं सबु वर्ष गहली चहली सबु पूजा मंडपे गहली देखा मिले समस्ते विभिन्न प्रकार आयोजन आयोजक माने विभिन्न प्रकार आयोजन एवं किए क्यों भाव में मंडप तोरण करे क्यों भाव में माँ को मूर्ति गढ़ कि विभिन्न बहुत दिन चली था व्यवस्था करवर्ष गाइडलाइन अनुसार 4 फुट्र मूर्ति सहित 7 जन को नहीं जो पूजा करनेक कि माने भिन्नता देख मिली चलित बर्ष ता सहित जी कह माँ को गोटे भक्त यही दिन को अपेक्षा करसक थे आसबे माँ आसबे धरा को अवतरण किंतु यही वर्ष सबकि भक्त टी अनल जो पूजा मंडप आयोजक मैंने अनलाइन व्यवस्था करमती देखिपर कितु भक्त टीए मंदिर पाखक आसपार ना पीठ को आसपार ना मंडपे आस माँ को दर्शन करें आगे आपण को पचारक चाहिए सब वर्ष बहुत आडम्बर कराए एथक निराडम्बर भाव में कर पूजा तो माँ को पूजा आज निराडम्बर करोनापाई आवर्नमेंट गाइडलाइन की पालन कर से अनुसार आज अष्टमी पूजा करा भक्त मान को भी दर्शन करने बंद पूजा पूजी एटी कौन सी बाहर भोग हो पारना ये सब माँ नीतिगति अनुसार चलता जी कहवा
कि सब वर्ष आपण भिन्न सबुबले झारपड़े अनेक भिन्न प्रकार देखा मिले तोरण से सुंदर होता बेले कौटी मूर्ति के सुंदर होता है से भाया व्यवस्था करता है यह स्वतंत्रता कौन रही है वर्ष स्वतंत्र आम गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार आम स्वतंत्रता रक्षा करूजा जहा जहाँ कही चारिपुट मूर्ति करवा मानने बाहर कौन सी भक्त भितर को जापर बारिकेड करवा ये सब आम मुख्य प्रसंग रही गोटे कथा सब देखा मिलूँ ब्यारिकेड कर कहीं कौन सी लोक भितर को आसीपारे ना आदि बाहर कथा कह बाहर पुलिस टीम अच्छा केमी जेहेतु रास्ता कड़े रही पूजा मंडपटी रोड सैड्रे अच्छी तो से कौन सी जमी अव्यवस्था देखा न मिले व्यवस्था करें पुलिस मुतयन करस पूजा केमी भलरे पारंपरिक रीतनीति हेबाई ध्यान दि जाए स्वप्ना निश्चित भाव कविता आपण जो सूचना एवं अति सुंदर भाव में जहाँ परदा पछरे माँ जहाँ पूजा अर्चना चलती है परदारे माँ चित्र थिबा देखा देखाई धन्यवाद कविता आपण समस्त अपडेट पाई। विधायकों मृत्यु को नहीं मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं संवेदनहीन बयान घटना दुख प्रकाश कले मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं विधायक मदन मोहन दत्तों वियोग को भगवान जरिया सुजोग बोली कही बद को आसते समवाय और खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं उपनिर्वाचन प्रचार में निजर संवेदनशीलता भूली रणेन्द्र जपरी विकास कथा कही विभिन्न महल में प्रश्न उठी तेज जनता क्रोध आगे भांगा कि मंत्री गर्व संवेदनहीनता शास्ति कौन दुख कि मंत्री दुखरे संतुष्ट हेबे कि बालेश्वरवासी बेलगाम पियाज दर हु होई प्रतिदिन बढ़ी चली पियाज रेट एवं किलो पिछा 85 छुईला आग को आहरी रेट बढ़ी चल आंध्र पियाज ट्रक आसीपार पियाज रेट बढ़ी चली जहाक नहीं चिंतार खाउटी पियाज दर बेलगाम काटिले नुहे किणिले कांदुछते ग्राहक राज्य में लगातार भाव बढ़ी चली पियाज दर प्रतिदिन बढ़ी चली रेट कटक रे 85 छुई पियाज दर किछि दिन पूर्वरु पियाज किलो 50-55 टंका थिबा पळे एबे 85 रे पहुंचेछि पियाज दर आकाश छुआ हेबा परे एबे रोसेई घरु गायब होई जाइछि पियाज मात्र 15 दिन रे पियाज दर 85 रे पहुंचेछि सेबडे खाली पडुछि ग्राहकक परिवार पे जेउ घर को केजी 2 केजी पियाज जाउथिला एबे 250 ग्राम पियाज रे संतुष्ट हेबाक पडुछि कटक छत्र बजार एवं 85 टकर बिक्री होज प्रबल वर्षा जो राज्य बाहर पियाज काढ़ी आसी पार नभली समस्या सृष्टि होते व्यवसायी संघ सभापति देवेंद्र साहू देखते जो भाई भाव आम एत वर्षा हो सारा भारत बर्षे आ जगार मेन पियाज होसिक आर्तमान आसवा कथा आंध्र कर्नल आंगलोर आ बेंगलोर आंध्र जो कर्नल सेठी एत्ते वर्षा होती विगत दिन मानक फसल पूरा नष्ट वर्षा से लग रही ये जो लघुचाप अच्छा तापर नासिक रे नुआ फसलटा बाहरी नहीं सेटा दीपावली पर बाहर नासिक रे जो पियाज अच्छी पुराणा पियाज सी भी डैमेज टाइप रही सब राज्य निर्भर आम ओडिशा भी सेठी निर्भर जो भी 10-12 गाड़ी से गाड़ी दी गाड़ी कोई दिन ना सब व्यवसायी हईराण खाउटी भी हईराण कंताई पियाज हु बढ़ी चली पूर्वरु छत्र बजार को दिन को 10-12 पियाज ट्रक आसुवा बेले एवं दिन को आसुची मात्र गोटे गाड़ी बजार को पर्याप्त परिमाण पियाज आसुन बढ़ी चली जहाँकि सीधा सड़ख हांडी साल उपर प्रभाव पकड़ पियाज रेट भाई जो भाया बढ़ी चली आग भाया कि मुस्किल हो गला कहीं प्रति डेली पाखापाखि 10-15 बढ़ी चलती आगुरी जहाँ आम किलो 3 किलो 4 किलो नौलू 5 किलो लखा नौलू पाखापाखि रेगुला 2 दिन 3 दिन छड़ा एवं किलो 1.5 किलो नेला आस कष्ट हो पियाज दर बढ़िया फल आम खाउटी मान बहुत प्रभाव पड़ू हाँ बहुत प्रभाव पड़ू कहीं जो रेट्रे नौलू पियाजा को रेगुला खाऊ पूरा कमीगला क्वांटिटी कमी कमी जो भाया रेट अच्छी पियाजर रेट पियाज बजार
ବିଗାଡ଼ୁଛି ବଜେଟ୍, ଖାଲି କରୁଛି ପକେଟ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ବେପାରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣା, ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଇ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହମ୍ମଦପୁର ଛକରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ହରାଇ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତା ମା ସୁଖୁନି ଆଖିରୁ ଲୁହ, ମାସ ମାସ ବିତିଯାଉଛି ହେଲେ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାରୁ ଥାନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ପରିବାର। ସେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ହତ୍ୟା ହେଉ ଅବା ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମା, କେବେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବ ପୋଲିସ? ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା। କିଏ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଏବେ ଯାଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦେଖାଳି ଗାଁରେ ଗତ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ମା ରମା ନାୟକଙ୍କ ସହ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରମୋଦିନ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ କଣ୍ଟେଇ ଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମୃତଦେହ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସୁରାଗ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଦଳିତ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହେବାରୁ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। ପିଲା ଦେହରେ ଲୁଗାପଟା କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଲୋଟିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନଖ ଚିହ୍ନ ସବୁ ମୁହଁ ଦିହ କ୍ଷେତ ଚିହ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଖରା ବାଜିକି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଏମିତି ଭାବିଲି, ଆଉ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ମଳ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିଲିନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଛଅ ମାସ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଢ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏଇ କେସ୍ର, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀକୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ହେଲା, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ବିତିଗଲା, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ତାଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳିନି, ଓଲଟା ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତିନି ମାସ ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାବାଳିକାର ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୁବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଯଦପୁର ଗାଁର 5 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ପରୀକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମଧର ଗାଁର ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ର ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପୋଲିସ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମା। ଗତ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାର୍ଗବୀ ମୁହାଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇମାନେ ଡାକି ଡାକିକି ନେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି ଯାଇଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ବି କହିକି ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇକି ଆସିଛୁ, କହିକି ଆସିଛୁ। ସେ ବି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ମରିବାର କେହି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା କେହି କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଉର ଚେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଷଦର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାବୁଲି ସେଥିରେ ହାତ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅରୁଣ ସାହୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଥାନାକୁ ଧରିକି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ କି ବାବୁଲି ଥାନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ବି ସେଠୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି କି ତମ ଚାକିରି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ, ତମ ଚାକିରି ନେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ପଶେଇଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେ ଫିର୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, କାହିଁକି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ? ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କି ପୋଲିସ? ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନି ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
आसिबा परवर्ती खबर को सेनार लाइव मिसाइल अटैक नौसेना अटैक यार शक्ति देखाइला निमिषक ध्वंस है जहाज सेनार सोशल मीडिया रे वीडियो पोस्ट पर दृश्य भाइराल सेनार लाइव मिसाइल अटैक निमिषक ध्वंस है जहाज वीडियो देखि शत्रु है भयभीत नौसेनार युद्ध अभ्यास बेलर गोटे भिडियो एवं सामना को आसी आरब सगर में मुतयन भारतीय नौसेना शत्रु पक्षर जहाज को केमी मिसाइल माड़ कर छिंचत्र कर क्षमता रखी ताडर स्पष्ट जमापड़ नौसेना पक्षर चली युद्ध अभ्यास बेले गोटे जहाज विध्वंसकारी मिसाइल सफल परीक्षण कर मिसाइल टी उत्क्षेपण होगापर तार टार्गेट्रे गोटे पुणा तप को हिट कर केमी गभर समुद्र में बुड़ाई देखर दृश्य रही खोद नौसेना पक्षर यह भिडियो जारी करा जाए तेज आईएनएस प्रबल रु ही एपरी मिसाइल माड़ कर नौसेनार युद्ध अभ्यास आईएनएस प्रबल सह आईएनएस विक्रमादित्य और एकाधिक युद्ध जहाज आक्रमण कर क्षमता रखि हेलिकप्टर विमान एवं अन्यान्य युद्ध जहाज शामिल होते रिपोर्ट ऑर्गस न्यूज तबे आसीबा पुणि थरे राजा स्वाईं को जहाँ खबर थिला विधायकों मृत्यु नहीं मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं को संवेदनहीन बयान घटना दुख प्रकाश करले मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं विधायक मदन मोहन दत्तों वियोग को भगवान को जरिए सुजोग बोली कही विवाद को आसते समवाय और खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं उपनिर्वाचन प्रचार में निजर संवेदनशीलता भूली रणेन्द्र प्रताप जपरी विकास कथा कहते यहाँ विभिन्न महल में प्रश्न उठिता तबे जनता क्रोध आगे भांगिला कि मंत्री गर्व संवेदनहीनतार शास्ति कौन दुख कि मंत्री दुखने संतुष्ट हे कि बालेश्वरवासी तबे संपर्कित तो अधिक सूचना देवे बालेश्वर प्रतिनिधि प्रकाश महांती प्रकाश जेभली भाव मंत्री बयान थिला विधायकों मृत्यु को नहीं मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई जहाँ संवेदनहीन बयान थिला दुख प्रकाश कले रणेन्द्र प्रताप स्वाई और विधायक मदन मोहन दत्तों वियोग को भगवान जरिए सुजोग बोली कही जहाँ बिवाद को आसते प्रकाश देखो निवेदिता जो जिते बालेश्वर उपनिर्वाचन होता से जो प्रचार करने को आसते रणेन्द्र प्रताप स्वाईं राजा स्वाईं तो से एक बिवाद मंतव्य देते जहाँ बालेश्वरवासी को दुखित करता परवर्त समय लोक प्रतिक्रिया पर गत काली से नहीं कि दुख प्रकाश करूँ प्रश्न उठे जिते बड़े जन नेता देहत्याग कले प्राणत्याग कले परवर्त समय यह मंत्य जन मंत्री केत दूर बालेश्वरवासी ग्रहण करते आम अच्छा बर्तमान बालेश्वर स्टेशन छक आज देखुवे तो से लोक प्रतिक्रिया ना और जाना सर कौन कहे देखिए जो भाई भाव राज्य सरकार जे मंत्री जेकि से कहते जे विधायक मृत्यु को से भगवान सुजोग सृष्टि करवर्त समय दुख प्रकाश करवा एक आप कि देखुं यह एक अत्यंत निंदनीय एवं जड़े दिवंगत विधायक बालेश्वर प्रति यह भाव दायित्वहीन मंतव्य जड़े राज्य मंत्री द्वारा एक निंदनीय घटना यह निंदा करुँ एवं कथा हवा उचित नुहे सुस्थ गणतांत्रिक परंपर जो भाई आप केवल दुख प्रकाश करदे कि कहते भगवान सृष्टि जड़े नेता मंत्री यह देहात आप देखुए जो मदन मोहन दत्त कथा कह परवर्त समय देखिए प्रदीप महाराथी कथा कहतु विष्णु दास कथा कहतु से मृत्यु को कौन कहु भाव निश्चित भाव में कहारी मृत्यु मृत्यु कहारी भी हूँ सी मृत्यु सहित दलय संपर्क किभली भाव में जोड़ा जा पाए मृत्यु सहित राजनैतिक संपर्क को किभली भाव में जोड़ा जा पाए यह अत्यंत हीनमन्यतार परिचय कौन कह देखिए जो भाई भाव एवं मंत्री पूर्वतन विधायक जी थे मदन मोहन दत्त मृत्यु पर राजा स्वाईं बालेश्वर उपनिर्वाचन प्रचार पर तो यह सर्वसाधारण स्थान मंतव्य देवा जहाँ बिवाद घेर को आसी गत काली से नहीं जो कही तो परवर्त समय दुख प्रकाश करवासी हिसाब से आप कौन कहे जनक मृत्यु कहता परवर्त समय दुख प्रकाश करवा आप राजा स्वाईं को क्षमा करेंगे ना देखो राजा स्वाईं जन वरिष्ठ मंत्री विजु जनता दल रो कथा कही से स्पष्टीकरण रखते
बड़ बड़ लोक बालेश्वरवासी विषय दुख प्रकाश कर ना ना जो जो कथा को कहिसंती तार आखिर गत अर्थ एत पर्यंत मु निजे बुझी पारुनी आकू नहीं कि राजनीति करा जाउची बोली मु भावुची सी कहले भारतीय जनता पार्टी काउंटर कले पुणी सी दुख प्रकाश कले आ भितर आम देखु इलेक्शन भितर ये केवल राजनीति चलती दिवंगत विधायक अंकर मृत्यु घटी आपको नहीं कि निश्चित भाव में समस्ते मर्मात सी जड़े दरिद्री मनुष्य थे नहीं कि समस्ते दुख प्रकाश कर घटना को लेकिन राजनीति करवाटा मुझे भावुचे ठीक हो केवल कांग्रेस बीजेपी बीजेडी नुहे आप देखिए समस्त दल रेता मैंने से कथा को लेकिन दुख प्रकाश कर विधायक बेले कही दुख प्रकाश कर बालेश्वरवासी हिसाब से कौन कह लक्ष्मी भाई जेहेतु एभली कथा कहते गत काली से स्पष्टीकरण देखते कि मुझे दुख प्रकाश करुच्ची तो एक नहीं बालेश्वर विभिन्न लोक जो अच्छा साधारण लोक बुद्धिजीवी तो समस्त गोटे मर्माहत घटना को नहीं करी कौट ना कौट राजा स्वयं यह कथा समस्त की गभीर दुख देवेदिता प्रकाश जदि कह मंतव्य समस्त को दुख देती धन्यवाद प्रकाश आप समस्त अपडेट को आउ दुई दिन परे ओडिशा रो विदाय नव मौसुमी एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली दुई दिन रे राज्यर किछि स्थानर एवं परवर्ती दुई दिन पूरा राज्यर विदाय नव मौसुमी या सहित उपकूल ओडिशा समेत राज्यर किछि स्थानर स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा होईछि केन्दुझर मयूरभंज रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी और कंधमाल सामान्य वर्षा हो 28 तारीख जाए राज्य किसी स्थान में वर्षा हो राज्य में शुखिला पाग रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली तबे आउ दुई दिन परे ओडिशा रो विदाय नव मौसुमी एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना रही दुई दिन रे राज्यर किछि स्थानरु ओ परवर्ती दुई दिन पूरा राज्यर विदाय नव मौसुमी या सहित उपकूल ओडिशा समेत राज्यर किछि स्थानरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा होईछि केन्दुझर मयूरभंज रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी ओ कंधमाल सामान्य वर्षा होईछि 28 तारीख जाए राज्यर किछि स्थानरे वर्षा हेबो एवं एहापरे राज्यर शुखिला रहिबो पाग बोली जहा भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना रही तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर प्रतिनिधि कविता स्वाई कविता जदि कहिबा आउ दुई दिन परे ओडिशा रु विदाय नब मौसुमी एवं जहां आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना रही 28 तारीख पर पाग शुखिला रहिबो ओडिशा रो तबे अधिक अपडेट कोन रही देखु स्वप्न जदि कह जो लघुचाप सृष्टि होता ए डिप्रेशन में परिणत हो पश्चिम बंग और बांग्लादेश मुहां हो जार प्रभाव ओडिशा उपरे विशेष पड़े ना जो विपद आशंका कराला तार संभावना कम रही आदि कह तेब जो यार जो बांग्लादेश और पश्चिम बंग मुहां यार प्रभाव में विशेषकर ओडिशा उपरे प्रभाव पड़े ता सहित वर्षार परिमाण आज कम रदि कह शीत जमी आप कहले मौसुमी प्रत्यावर्तन कर दुई दिन पर ओडिशा रु प्रत्यावर्तन कर सहित शीतर शीत प्रवेश करा को सहित शीतर प्रकोप देखा मिल वर्षार परिमाण कम जहाँ आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाए जदि कह कि जिले में उत्तर ओडिशा जो उत्तर उपकूल ओडिशा जहाँ रही तार कि जिले में वर्षा हो पारे आश संभावना रही समुद्र अशांत थी मत्स्यजीव मान समुद्र भितर को जीवापाई बारण करा जाइछि भावे कविता जदि कहिबा आ दुई दिन परे ओडिशा रु विदाय नेबो मौसुमी धन्यवाद आपनको समस्त अपडेट पाई ते वर्तमान मॉर्निंग बॉक्स रे समय सरिछि अधिक खबर पाई हम वेबसाइट विजिट कर परबे अर्गस न्यूज नमस्कार।